गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर, क्योंकि आज मुकाबला है वनडे विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल महामुकाबला, इसके लिए दोनों टीमें हैं तैयार और फैंस भी है तैयार। बात करते हैं हम मुंबई वानखेड़े स्टेडियम की पिच की। पिच रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, बल्लेबाजों के लिए हमेशा से स्वर्ग माने जाने वाली ये पिच बल्लेबाजों के लिए आसान और अच्छी मददगार यहाँ ये पिच बनाई गई है, और बल्ले पर गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, बड़े बड़े छक्के और चौके यहाँ पर लगते हैं। बाउंड्रीज छोटी है, इसलिए यहाँ पर रन्स बनाने बहुत आसान हो जाते हैं बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी का यहाँ सवाल है, तो भाई गेंदबाजी में शुरुआत में आपको नई गेंद से स्विंग मिलती है, नई गेंद से आप स्विंग करा सकते हैं। यदि आप नए गेंद से गेंदबाजी करने में शुमार है, आपकी ताकत है नई गेंद से गेंदबाजी करना, तो ज़रूर कीजिए और स्विंग कराइए। दोनों तरफ आप स्विंग करा सकते हैं यहाँ पर नई गेंद से। यहाँ पर भारत का औसत स्कोर यदि देखा जाए तो 224, न्यूजीलैंड का औसत स्कोर 263 है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर रन्स बना सकते हैं। दोनों टीमें इतने काबिल हैं कि 300 पार यहाँ पर लक्ष्य लगा सकते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। टोटल आपको बोर्ड पर बड़ा टोटल लगाना होगा और वो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें इसके काबिल है। मौसम की बात करें तो भाई मौसम यहाँ पर 33 डिग्री न्यूनतम 27 और अधिकतम 33 डिग्री के साथ धूप खिली रहेगी। यहाँ पर बारिश की कोई आशंका नहीं, और यहाँ पर हवा की गति की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पश्चिम दिशा से चलेगी। नमी 36% यहाँ पर नमी रहेगी। पिच में यहाँ पर अतिरिक्त उछाल है, बल्लेबाजों के लिए शानदार मदद, स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ है इस पिच में। तो यहाँ पर जैसे कुलदीप यादव, मिचेल शॉर्टनर, रविंद्र जडेजा यहाँ पर चमक सकते हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह भी है, तो गेंदबाजी के तौर पर यहाँ पर आपके पास मार्क चैपमैन, और यहाँ पे आपके पास ग्रेन बोल्ट, टीम साउदी, लॉकी फर्गुसन जैसे तेज गेंदबाज यहाँ पर आपके पास मौजूद है। कैसी हो सकती है प्लेइंग 11 सेमीफाइनल के लिए, संभव प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 हम सबसे पहले देखते थे। डेविन कॉनवे, कैरन मिचेल, जेम विलियमसन, टॉम लेथन, राचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, और यहाँ पर मिचेल शॉर्टनर, और आपके और प्रमुख गेंदबाज ग्रेन बोल्ट, टीम साउदी, लॉकी फर्गुसन आपके पास मौजूद है, और ग्लेन फिलिप्स आपके विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे। तो ये आपकी संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर चेंजेस करेगी न्यूजीलैंड, यही बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाएगी और यही बेस्ट रहेगा इनके लिए। भारत की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 और क्या हाल की जो प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है, जो अभी 9 मुकाबले खेले उनमें से जो 8 में जो प्लेइंग 11 रही है भारत की, 8 में नहीं, 4 मुकाबले छोड़ दिया गया तो 5 में, क्योंकि हार्दिक पांड्या थे पहले शुरुआत के 4 मुकाबलों में, लेकिन उसके बाद जो अंतिम 5 मुकाबले हुए, हालिया 5 मुकाबले जो खेले गए, उसमें से जो प्लेइंग 11 निकल कर नजर आई है वो यही प्लेइंग 11 बता रही है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के एल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, यही प्लेइंग 11 के साथ मुझे लगता है 100% भारत इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलेगा। टॉस जीत कर क्या करना चाहिए, यहाँ पर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कीजिए, बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाइए, दबाव डालिए, प्रेशर डालिए अपोजिशन टीम पर, और करने दीजिए उनको सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी।
रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेमीफाइनल में पिछले साल यहाँ पर 2019 वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को बाहर का रास्ता दिखाया था, न्यूजीलैंड ने भारत को बाहर किया था। 2015 में भी भारत को सेमीफाइनल में मिली थी हार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी थी पटकनी जहां पर विराट कोहली एक रन पर आउट हो गए थे, जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे वो भी फ्लॉप रहे थे। अंत में एमएस धोनी ने प्रयास जरूर किया था लेकिन असफल साबित रहे थे महेंद्र सिंह धोनी भी। लेकिन याद होगा आपको फाइनल इसी ग्राउंड पर खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया था और 28 सालों के बाद वो सूखे को खत्म किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। वहीं पर आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, रोहित शर्मा जो कि मुंबई का राजा जिसे कहा जाता है, रोहित शर्मा आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर काफी तादाद में दर्शकों की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 3 मुकाबले खेले जिसमें से 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को मिले, भारत ने 21 मुकाबले खेले जिसमें से 12 मुकाबलों में भारत को मिली है जीत। आईसीसी वनडे विश्व कप में भारत VS न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो 10 बार आमने सामने भिड़ी है वनडे विश्व कप में और वहां पर बाजी मारी है 6 बार। यहां पर यदि देखा जाए तो 4 बार भारत ने मैच जीता है, 5 बार न्यूजीलैंड ने, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो 4 बार भारत, 5 बार न्यूजीलैंड और 1 बार बेनतीजा। यहाँ पर 3 T20 मुकाबले हुए हैं, 3 T20 वर्ल्ड कप में 3 बार आमने सामने जहाँ पर बाजी मारी है न्यूजीलैंड ने। उसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाजी मारी न्यूजीलैंड ने, एक ही मुकाबला वहाँ पर आमने सामने खेली है जहाँ पर बाजी मारी है न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा होता है भारी। टीम सऊदी रोहित शर्मा के बीच रिकॉर्ड्स हम बात कर लेते हैं। टीम सऊदी ने यहाँ पर रिकॉर्ड्स बना कर रखा है, टेस्ट में 2 बार वापस भेजा है। यहाँ पर देखा जाए तो टेस्ट में 2 बार रोहित शर्मा को वापस भेजा है और 70 का स्ट्राइक रेट। और यहाँ पर देखा जाए तो वनडे में यहाँ पर देखा जाए तो 5 बार पवेलियन की राह दिखाई है यहाँ पर टीम सऊदी ने रोहित शर्मा को। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 बार पवेलियन की राह दिखाई है। तो ये यदि देखा जाए तो कुल 11 बार यहाँ पर टीम सऊदी ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा है। तो ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कि रोहित शर्मा फंसते हैं टीम सऊदी के अगेंस्ट, रोहित शर्मा फंसते हैं। ट्रेन बोल्ट तो करते ही है परेशान, लेकिन ट्रेन बोल्ट और मिचेल सैंटनर के अलावा टीम सऊदी भी रोहित शर्मा को परेशान करते हैं। और यदि स्ट्राइक रेट देखें तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट 70 का मात्र है, औसत 21 का औसत और स्ट्राइक रेट 70 का। और कुल 11 बार यहाँ पर पवेलियन की राह दिखाई है टीम सऊदी ने रोहित शर्मा को। दूसरी तरफ विराट कोहली को सबसे ज़्यादा बार स्विंग में फंसते हुए नजर आए हैं विराट कोहली, टीम सऊदी के स्विंग में यहाँ पर विराट कोहली फंसते हुए नजर आए हैं। 6 बार वनडे में उनको पवेलियन की राह दिखाई है विराट कोहली को। और उनका स्ट्राइक रेट हालांकि अच्छा रहा है, 100 का स्ट्राइक रेट रहा है, रन बनाए हैं उनके खिलाफ, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनाए। विराट कोहली ने अच्छा खेले हैं, रोहित शर्मा से भी बेटर खेलते हैं, रोहित शर्मा से भी बेटर विराट खेलते हैं टीम सऊदी के अगेंस्ट, लेकिन फंसते भी उतने ही बार है। तो ये यहाँ पर अगर यदि दोनों को पवेलियन जल्दी भिजा देते हैं टीम सऊदी तो यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकती है टीम इंडिया। ये रीढ़ की हड्डी है विराट और रोहित, एक दिल है तो एक दिमाग है। विराट कोहली की और रोहित शर्मा के बिना इंडियन टीम यहाँ पर अधूरी है। तो इन दोनों का चलना बहुत ही जरूरी है, टीम सऊदी के गेंदों को खेलना बहुत जरूरी है। यदि शुरुआत के 10 ओवर निकाल लेते हैं रोहित और विराट तो भी फिर आप आगे इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा रिपोर्ट कार्ड, पूरा पिच रिपोर्ट और
वेदर और प्रीव्यू प्लेइंग 11 पूरा आज के मुकाबले का। यदि कंडीशंस देखे तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो पिच को लेकर खबर ये है कि भाई लाल मिट्टी की पिच पर ये सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा विश्व कप 2023 का, जहां पर सेकेंड इनिंग में ड्यूक की भी चांसेस है। लेकिन ऐसे में यहां पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में तो मदद मिलेगी ही, और स्पिनर को भी लाल मिट्टी के बीच में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन बल्लेबाजी के लिए जैसे कि स्वर्ग मानी जाती रही है, तो छक्के और चौके यहाँ पर जमकर लगते हैं, जमकर बरसते हैं। पिछला मैच भारत खेली है यहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट, यदि आखिरी मुकाबला भारत का देखा जाए तो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ है विश्व कप में, जो कि 357 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए थे, जिसके बाद 55 रनों पर ढेर कर दिया था श्रीलंका को और 302 रनों से बड़ी विशाल जीत अर्जित की थी भारत ने। तो अपना पिछला उत्साह लेकर ही यहाँ पर उतरेगी टीम इंडिया, लेकिन यहाँ पर रही कसर जो है वो मैदान ही पूरा कर लेता है, मैदान की जो बाउंड्रीज है वो पूरी कर लेती है। तो यहाँ पर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना होगा, वो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में तो ड्यू आने की चांसेस तो है, लेकिन भारत के गेंदबाज ऐसे है कि जो ड्यू आती भी है तो संभाल लेते हैं, इसीलिए भारत की गेंदबाजी स्ट्रांग है। तो बल्लेबाजी पहले कीजिए, मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि भाई टॉस जीते बल्लेबाजी के लिए। अब क्या होता है, यहाँ पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गेंदबाजी भी करते हैं तो भी नुकसान नहीं होता उतना। लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या भारत पहले बल्लेबाजी करती है या गेंदबाजी। लेकिन यदि देखा जाए तो न्यूजीलैंड इस विश्व कप 2023 में 9 में से 5 मुकाबले में जीत हासिल कर आई है, 4 हार जिसमें न्यूजीलैंड को मिले हैं, 10 अंक है। भारत नंबर 1 पर 9 में से 9 मुकाबले जीत कर आ रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, फिर से एक बार तो है तैयार भारतीय टीम। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल में यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। इस पिच पर उछाल है तो यहाँ पर मदद जरूर मिलेगी गेंदबाजों को थोड़ी बहुत, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों का। थैंक यू।